आपकी आपके पूरा स्वागत करता हूँ। और जी बोलिए साहब। सर मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात से अहमदाबाद से। गर्मित गुजरात। हाँ जी बोलिए। अब ये सर ने बोला, कौन सर ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला घोटाला हुआ, तो 1992 में 5,000 करोड़ का बेफर्स घोटाला हुआ था, 1987 में 5,000 करोड़ का शेयर घोटाला हुआ था, वो किसकी सरकार में हुआ था? दूसरी चीज, ये सर ने पहले बोला कि जम्मू को जवाहरलाल नेहरू ने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया उसी दिन जो मोदी डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन लेते जवाहरलाल नेहरू तो आज ये हादसा नहीं होता आतंकवादी वाला। ठीक ठीक, माफी चाहता। अरे कोई बात नहीं, भगाओ नहीं बच्चे। अरे बच्चा खड़े रहो। अरे कोई बात नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? प्रशांत। खड़े रहो, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। तो उधर से कूद के क्यों आए, इधर से क्यों नहीं आए? नहीं, घर में जाते तो दरवाजे से ही हो कि खिड़की से जाते हो? नहीं, घर में कैसे जाते हो, खिड़की से या दरवाजे से? खड़े रहो प्रशांत, नाम है प्रशांत, इतने धीर गंभीर आदमी तुम। जी बोलिए। जैसे सर ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को घोटाला बता दिया, तो मैं सर से यही प्रश्न करना चाह रहा था। उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला था तो क्या वो पार्टियां, अन्य बीजेपी से के अलावा अन्य पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में रकम ली, क्या वो भी उस घोटाले के? सारे लोग थे, सारे लोगों ने लिया। दूसरी बात, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने उठाया जी। लाया गया इसलिए कि वो ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, नजर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसके बारे में, लेकिन उद्देश्य, उसका मकसद जो है वो बहुत साफ था। वो साफ ये था कि जो भी, जिसको भी मिले पैसा हो, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसीलिए था। तो इन्होंने घोटाला घोषित कर दिया, तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो घोटाला है तो क्या आप उस घोटाले में सहभागी हैं क्या? क्योंकि आपने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया ना, अगर आप भी पैसा ले रहे हैं तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आप उस घोटाले के अंदर सहभागिता निभा रहे हैं बराबर? जी ठीक, समाजवादी पार्टी का नंबर जी। अगर ये घोटाला नहीं है तो जो डोनेशन देने वाले थे बिल में, उनके नाम को छुपाने की संस्तुति क्यों की गई भाई? उनको पता था कि ट्रांसपेरेंट है, दुनिया देखे, लेकिन नाम मत बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच से समझने की आवश्यकता है। अगर देश में समृद्धि आ रही है, सुनिए, अगर देश में समृद्धि आ रही है, देश का व्यापार पड़ रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अमेरिका से इतना व्यापार हो गया, मैं तो निर्यात की बात कर रहा हूँ। 5,00,000 करोड़ का व्यापार हुआ, लेकिन हमारा निर्यात 3,000 करोड़ का हुआ। और अगर हम गोमांस निर्यात की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए। हम भ्रष्टाचार की बात करें तो अयोध्या का रामपथ 850 करोड़ का बना और एक बारिश में 11 किलोमीटर में 20 गड्ढे हो गए, उसका पैसा कौन खाया? नीट परीक्षा हुई, उसका घोटाला हुआ, इसको समझिए आप। इसका परिणाम आना था 14 तारीख को, लेकिन परिणाम को 4 तारीख को घोषित किया गया, क्योंकि 4 तारीख को काउंटिंग हो रही थी, सारे मीडिया के लोग, पूरा सिस्टम उधर बिजी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लोग होंगे डिसीजन मेकिंग में। आप समझिए, एनटीए के चेयरमैन को भी इतना राइट नहीं होगा कि रिजल्ट को प्रीपोन्ड कर दे, लेकिन प्रीपोन्ड किसने करवाया होगा, वो टाइमिंग क्यों रखी होगी? ये बहुत बड़ा घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी घोटालों में डूबी हुई भाई है। रुको, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बहस नहीं होती। तुम्हें तकलीफ है, मैं तुमसे पूछ लूंगा, आ जाऊं, मैं तुम्हारे पास आता हूं, बस बैठ, वेट करो। आ गया बेटा, आ गया, मैं आ गया, बिल्कुल स्टूडेंट है यहाँ पे खड़े। मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, ये पहलू वहां पे डिस्कस नहीं किया गया होगा, ये सोचना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। बिल्कुल 100% ये मसला आया ही है और उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है और बिल्कुल 100% डिस्कस किया है। तो कल हम, क्योंकि कल फिर आएगा नीट का मसला, हम वेट करेंगे। जो आपका साहब जी, जी मैं इनकी बात में बताना चाहूंगा समाजवादी के लिए कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया, ठीक है, पर इतने सालों से कभी इन्होंने भी नाम बाहर नहीं निकाले, क्योंकि इलेक्शन के लिए वो पैसा तो आ ही रहा था कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही थी। अगर बीजेपी ने गलत करा तो इन्होंने कभी खुद भी सही नहीं करा, दोनों ही उतने ही गलत है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी घोटाले की बात करिए सर, पूरा यूपी खराब करा है इन्होंने, पूरा यूपी अंदर से खराब कर रखा है सर। अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला सबको, गरीबों को बोला कि हम 8,000 रुपए देंगे, तो अब लोगों ने ये सोचा कि घर बीजेपी ने दे दिया है, सैलरी वहां से आ जाएगी, तो इनको वोट दे देते हैं। फॉर्म भी भरवाए, सबमिशन की बात जब आई इलेक्शन के, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ रही है बेटा, आ रही है आवाज, आ रही है, और ये आवाज ना आए कैसे नहीं हो सकता? अच्छा, तो सारी आवाज आ रही है। इलेक्शन के बाद इन्होंने जब वो औरतें आई पैसे लेने के लिए, तो कहा अब नहीं दे सकते हम। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, डीटीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी। तो वो मैंने देखा ना, ड्यूशे लैंड बना हुआ था तुम्हारा, तो आजकल वो चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, यूरो कप चल रहा है। और रहने वाले कहाँ के? सर मैं गाजियाबाद। ये तो मैं समझ गया था कि यूपी का ही है ये बंदा।
राजनीति इसको बहुत अच्छी समझ में आती है जी। ऑफकोर्स समाजवाद, मैं बिल्कुल समाजवादी को दे दें कि या पहले आप दे दें? मैं समाजवादी को दे देते, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। हाँ जी, ये मेरा छोटा भाई गाजियाबाद का है, इत्तेफाक से मैं भी गाजियाबाद का हूँ। क्या बात है, वाह। अब मैं आपको बताता हूँ, आप यूपी गेट से शुरू करिए, यूपी गेट से मोहन नगर जाएंगे, जो रोड का चौरीकरण हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। उसके अलावा गाजियाबाद में 3 पावर स्टेशन लगे हैं, एक आपका करहेरा ब्रिज में लगा हुआ है, एक मुरादनगर में लगा हुआ है और एक इंदिरापुरम में लगा हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आपकी जो गाजियाबाद की मेट्रो है वो समाजवादी पार्टी की देन है। अब सुन लीजिए, एलिवेटेड रोड जो बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज भी पिछले 7 सालों में जितने अंडर पास बने थे वो समाजवादी की देन है। एक अंडर पास का नाम गाजियाबाद के अंदर कोई भी बता दे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बना, तो उसका नाम बता दूंगा मैं। पूर्वांचल की भी बात कर लीजिए, हमारे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की सरकार, पूर्वांचल मतलब क्या, पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर के मिर्जापुर, मांडा मिर्जापुर विंध्याचल चिकना की बात कर रहा हूँ मैं। इनकी सरकार में रोड ऐसे थे साहब। इनकी सरकार में, समाजवादी की सरकार में, आज वहाँ रोड डबल हो गई है। प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर तक का रोड देखिए तो डबल रोड हो गई है। इनकी सरकार में धक्के खाते थे हम, ऐसे ऐसे करके गाड़ियां जाती 4-4 घंटे में जाते थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी, इनके घोटाले इतने ज्यादा हैं कि इनके जो गुर्गे थे ना वो अंदर अंदर वसूली करते थे, ये नहीं बताते, ये नहीं बताते कैसे, कैसे? अंदर अंदर वसूली करते थे, धमका धमका करके पिस्टल लगा लगा। ये ऑटो वाले भैया जो है